यश हत्याकांड में बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है फिलहाल कि कोई भी वकील, जी हाँ करनाल का कोई भी वकील जो है यश के हत्यारों का केस नहीं लड़ेगा। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जो है दोषी सामने आता है उसका केस जो है करनाल के वकील नहीं लड़ेंगे। बहुत ही जो है एक अच्छा कदम करनाल, जो पूरी बार जो है एसोसिएशन, करनाल बार एसोसिएशन कह सकते हैं या फिर पूरे करनाल के वकीलों द्वारा या जिन भी सारे वकीलों द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा जो है ये कदम है। क्योंकि बहुत ही जो है एक दुखद ये एक मामला था, किस तरह से एक 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, अब तक आरोप जो है बहुत से लोगों पर लगते नज़र आ रहे हैं, बहुत सी टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के जो है पुख्ता जानकारी का इंतज़ार करना होगा कि इस मामले में कौन दोषी है, कौन आरोपी है, और जो भी आरोपी है उसको सख्त से सजा जरूर मिलनी चाहिए। यही मांग करता हुआ करनाल का हर जो व्यक्ति है नज़र जरूर आ रहा है। यहाँ पर आपसे अपील करूँगी वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो भी जो है हर व्यक्ति तक जा सके। और करनाल क्या किसी भी शहर से कोई भी वकील जो है यश के हत्यारों का केस ना लड़े, ना ही उन्हें जो है अपना कोई भी जो अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने तक का मौका मिले। क्योंकि एक बच्चे की बेवजह इस तरह से हत्या कर देना बिल्कुल ठीक नहीं। एक बार बातचीत जरूर करेंगे क्या कुछ जो है उनका कहना है। निर्मल जी, हमारे चांदवीर जी और जितने वकील साथी हैं, अभी बाहर के प्रधान भी आए थे और जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, हम लोगों ने मिलकर के एक फैसला किया है। जो इस कलयुग में ऐसा हत्यारा है उस हत्यारे का हम लोग साथ नहीं देंगे। हम अपने वकील भाइयों के आपके माध्यम के तहत वकील भाइयों से भी गुजारिश करेंगे कि उन हत्यारों का गांव में ही खड़ा करके जूतों की माला पर आकर के और उसका इतना मतलब समाज में बेइज्जत किया जाए, उसका वकील साथी कोई भी केस न लड़े। हम नहीं, पूरे हरियाणा में जो हमारे वकील साथी हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि कोई भी ऐसे मतलब अपराधी का, 4 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, 4 साल के बच्चे को ऐसे दबा दिया और आंखों से लहूलुहान निकल गए, क्या यही इस देश का धर्म है या कहीं तो ये और इसके तहत किस तरह से हमारे पुलिस प्रशासन को रात के 11 बजे तक क्या वहाँ से गुजर रहा है एक बाबा जो हमारी पब्लिक के तहत वीडियो वायरल हो गई, उसको 11 बजे तक पूछताछ की, उनको तो पुलिस को तो पता लग जाना चाहिए तुरंत 2 घंटे में अपराधी कौन है। और जो अपराधी हत्यारा जो वो मीडिया के साथ मतलब परिवार के साथ घूमता रहा, हमारा तो धर्म आज वकील को वकील साहिबानों का यही है कि हम ऐसे हत्यारे का केस ना लड़े। और यहाँ यानी पूरे हरियाणा के वकील साथियों से भी निवेदन है कोई भी आकर के ऐसे हत्यारे का हमारी कोर्ट में केस ना लड़े। इसके तहत हमारे प्रधान जी ने भी बता दिया है और जैसे भी बैठक होगी उसके तहत क्या सजा चाहते हैं कि क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे हत्यारे को जिसने 4 साल के निर्मम बच्चे की जो है बहुत निर्मम हत्या कर दी गई है। तुरंत 1-2 साल के अंदर निपटारा हो करके तारीख पे तारीख ना लग करके जज साहिबान द्वारा तुरंत ऐसे आदमी को फांसी की सजा दे ताकि इससे कठोर कानून के तहत अगला जो अपराधी कोई भी ऐसा काम करता है उसको भी सबक मिले। हम यही कहना चाहेंगे, तुम यही कहना चाहूंगा कि ये कलयुग चल रहा हुआ है, यहाँ बच्चे हमारे छोटे छोटे जो भी आदमी जलन जो अंदर का खान पान है जिससे औरतों को ये बाबाओं के चक्कर में रहने लग गई हैं, हमारे देश की महिलाएं अंधविश्वास में रहने लग गई हैं, अंदर से जलन हो गई है। तो कोई मुझे तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने ये निकाय दिया भाई तुम्हारे घर में लड़का नहीं होता इसलिए बबूती डाल दे या लड़के की, पर ये मामला दूसरा पाया। कुछ ऐसे भी केस हमारे देश में होते हैं छोटे छोटे बच्चों की बलि दे देते हैं, तो ये सब इस चीज से दूर होना चाहिए। और यही कहेंगे कि ऐसे हत्यारों को तुरंत सजा दे, सबक सिखाए पूरी तरह से। कानून चांदवीर मनान, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूंगा कि एक जो 4 साल का यश बच्चा जिसने अभी दुनिया में कदम ही रखा था, अभी तो उसने होश संभालना ही शुरू किया था, इस तरह के बच्चे की निर्मम हत्या कर देना एक बड़ा जघन्य अपराध है। कल जब सुना हमने आंखों में आंसू भी आए कि इस तरह के समाज में काम होने शुरू हो गए हैं, तो हमारी वकीलों से यही प्रार्थना रहेगी कि उसका केस ना लड़े और उसको जल्दी से जल्दी जो भी अपराधी है पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि कई बार निर्दोषों को भी फंसाया जाता है, नाम लेना भी किसी का ठीक नहीं है, नाम लेकर उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन करके जो अपराधी है उसको फांसी की तुरंत सजा होनी चाहिए और इसमें 1-2 साल भी नहीं, मैं कहता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में लग के 6 महीने में उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और हमारी सभी वकीलों से अपील रहेगी इस तरह के अपराधियों का केस ना लें जो इस तरह की निर्मम हत्या करते हैं।
चलिए अपराध तो बहुत होते हैं, हम लड़ते भी हैं केस, लेकिन इस तरह चार बच्चे, चार साल के बच्चे की, जिसने दुनिया भी देखी भी नहीं है, जिसने दुनिया अभी देखनी थी, पता नहीं क्या बच्चा वो बड़ा होकर बनता, क्या इस देश को देता, लेकिन उसको उससे पहले ही हत्या कर दी जाती है। तो हमारी तो हरियाणा के वकीलों से भी अपील रहेगी कि वो भी इसका केस ना लें। अगर कोई हरियाणा से बाहर से भी वकील आता है तो हम कोशिश करेंगे वो यहाँ पेश ना हो। तो जितनी भी निंदा करें इस क्राइम की वो कम है, और मेरी सबसे पहले जो दरख्वास्त है वो प्रशासन से और शासन से है कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई निर्दोष इसमें फंसना नहीं चाहिए और जो दोषी है वो छूट देनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी इसकी सजा हो ताकि समाज में जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मैसेज जाए कि ये काम गलत है और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट रमन चौधरी, डिस्ट्रिक्ट बारकरनाथ। ये काफी निंदनीय असहनीय है परिवार के लिए, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें निर्दोष को भी फंसना चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इतना ही है। एक माँ होने के नाते तो मैं यही कहूंगी, ये निर्मम हत्या, ऐसे हत्यारों को तो फांसी की सजा और फास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, उसमें इस केस को होना चाहिए। और हत्यारे जो हैं उसके लिए ना तो कोई वकील आए डिस्ट्रिक्ट या किसी से भी, किसी स्टेट से भी कोई वकील ना आए, क्योंकि ये एक मानव जाति के ऊपर एक हत्यारे ने कलंक लगा दिया। तो क्या अपील करना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से सभी वकीलों के लिए, क्या अपील रहेगी, चाहे हरियाणा की बात करें या पूरे राज्य की बात करें, क्या कहना चाहेंगे सभी वकीलों के लिए, क्या अपील रहेगी आप? एक वकील होने के नाते मैं यही कहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट हो चाहे स्टेट हो अदर भी, सभी एडवोकेट को ऐसे हत्यारों का केस नहीं लड़ना चाहिए, और साथ में जो जो बच्चे है की मदर है उसको सहानुभूति देते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस को अटेंड करना चाहिए, और विद इन मैं तो 1 मंथ में ही कहूंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसी आ जाए, विद इन मंथ में जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे जघन्य अपराध करने वाले भी डरे। जी, मैं इस घटना से निशब्द हूं, और ऐसा है, मैं इस घटना बारे अपना शब्द इस बारे में प्रकट करता हूं कि मैं निशब्द हूं इसके बारे में, और ऐसा है, और शर्मसार हूं कि मैं ऐसे गंदे चरित्र के लोगों के समाज का हिस्सा हूं। इतना घोर निंदनीय है जिसने जघनतम हत्याकांड को अंजाम दिया, बाल बोध कपोल मन को ऐसे नरसंहारात्मक तरीके से हत्या की है उसकी। और मैं इसके साथ ये भी मैसेज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे हमारे पूर्व प्रधान जी ने बताया कि हम लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे उनको, एक्यूज को आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन अगर जस्टिफिकेशन हो जाए इन्होंने किया है, तो उनको बजाय हम प्रॉपर ट्रायल में डालने के, तो गांव में जुलूस निकालना चाहिए, जूते डालना चाहिए, जूते मारना चाहिए, मुंह काला करना चाहिए उन लोगों का, और शॉर्ट सपन में जैसे बहन जी ने बताया 1 मंथ के अंदर इनका डिसाइड करना चाहिए ट्रायल, और विक्टिम को प्रॉपर असिस्टेंट दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि समाज में जैसे B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि हर किसी को शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, इसके साथ बौद्धिक विकास होना चाहिए। हमें पता तो हम क्या कृत्य करने जा रहे हैं, इसका क्या अंजाम होगा, यही नहीं लोगों को पता जो काम करने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा, कल पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। और पुलिस को प्रॉपर वेरिफिकेशन के तरीके होने चाहिए, 20 बाबे पीट गए पुलिस ने, और जबकि वो फर्स्ट इंस्टांस से प्रूव हो रहा था उसने किया हुआ काम, पुलिस को बताया गया कि एक बाबे ने ऐसे से किया, पुलिस की थ्योरी के पीछे दौड़ पड़ी, 11 बजे तक यही चलता रहा। नेक्स्ट डे जब बॉडी रिकवर हो गया, बॉडी रिकवर होने के बाद भी वो प्रेम साहिब 20 बार वो आंखें झपक रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है बंदा बताते हुए, डर रहा है, मोबाइल देख रहा है, बार बार इधर उधर जा रहा है, उसको तो प्रेम साहिब दबोच लेना चाहिए था। वो बच्चा, एक और प्रधान जी मैं कहना चाहूंगा, वो बच्चे की जान बचाई भी जा सकती थी, अगर पुलिस फौरन रूप से हरकत में आती, पैटर्न इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर होता, वो बच्चे की जान बच भी सकती थी, पुलिस भी इसमें प्रॉपर दोषी है इस मामले में, क्योंकि क्यों बचाई जा सकती है अगर लेना चाहिए पुलिस के द्वारा, पुलिस के द्वारा प्रॉपर वेरिफिकेशन के इन्वेस्टिगेशन के पैटर्न को बदला जाए, फॉरन पैटर्न पे यहाँ अडॉप्ट किया जाए, जैसे फोर में पुलिस वाले होते हैं, यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं जब भी ड्यूटी पे, यहाँ तो पुलिस जिस मर्जी हो जिस केस में फंसा दे, इससे तो गलत मैसेज आ रहा है, जो असली गुनाहगार है वो तो एंजॉय करने बच रहे हैं। छोटे छोटे लड़कों को बताते हैं ये भी, छोटे छोटे लड़कों को भी हत्यारा बना दिया है, 50 आदमियों को पुलिस नाम लिखेगी, 10-15-20 पता पैसे ले होगी और पता करेगी, यानी कि 11 बजे तक बाबा को पिटिया पुलिस वालों ने, 11:30 महिला ने उस बच्चे को खींच लिया गली से, उसके बाद वो बच्चा गांव में ही रहा है, 5 डेथ उसकी 5 बजे के बाद शायद हुई है, अगर पुलिस को उन बाबों को 20 बाबे पीट दिए, गिल्लाम पे घेर दिए, उसके बाद अगर गांव में ही अगर उन्होंने कोई बाबा अपराधी मिलिया, पुलिस तो ऐसी होनी चाहिए कि आंखों में आंखें डाल करके नु पता लग जाए मर्डर कर रखे, मर्डर करने वाला मीडिया के सामने परिवार के साथ घूम रहा, ये डेथ, ये इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चा बच सकता था उसी टाइम, अगर गाँव के घर घर में
चारों तरफ से घेर करके छानबीन हो जाती तो फिर भी कहने का मतलब हमारा ये है कि पुलिस आने वाले जो भी देशों में पुलिस होती है ना वो बिरानी कब आएगी हमारे देश में जो भी चीजें होती हैं तो इस तरह से हत्या जिसने की है ना उसी को फांसी दो। दूसरे एक आदमी ने एक बच्चे का चार साल के बच्चे का जो गला दबाया है ना उसको ये अपराधी मान करके पर पता क्या हमारे देश में 15-20 को अपराधी बनाएंगी या छोटे छोटे बच्चे बताओ उठाए फिर उनमें से कुछों को से पैसे ले लेंगे कुछों को अपना अपराधी बना देंगे। हमारे देश की ये जितनी भी जेलें हैं ना 70% आदमी बेगुनाह है बेगुनाह। पर इस मामला जो इस समय हम खड़े हैं ना हम वकील साथी ना तो केस लेंगे ऐसे हत्यारे का और हरियाणा के सभी वकील भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे हत्यारे को अब हम ना केस लेना तभी कलयुग से थोड़ा थोड़ा आदमी बाहर निकलेगा नहीं तो कुछ नहीं। सर मैं एक और बताना चाहूंगा जैसे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाया इन्होंने सीसीटीवी कैमरे तो सरकार ने इंस्टॉल कर दिए सर डिफरेंट प्लेसेस पे मगर उसको यूटिलाइज कैसे करें सर वो माइंड तो है नहीं वो इन्वेस्टिगेशन का पैटर्न तो इनके पास है नहीं। अब सीसीटीवी फुटेज में बाबा देखा बाबे की रेल बना दी 20 बाबे और पीट दिए जो असली गुनाहगार थे बचते रहे तब तक अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का जस्ट प्रॉपर जस्टिफिकेशन होता तो एक्चुअली पकड़े जाते सर बच्चे की जान भी बच सकती थी। तो पुलिस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए हमारे कंप्लीट एंटायरली सिस्टम में सुधार होना चाहिए जो ऑलमोस्ट हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और तभी और एक अच्छा कठोरतम दंड देके उसको समाज में एक सुंदर संदेश जाए भाई ताकि कोई ऐसा कुकृत्य करते हुए इसके होठ रूह कांपे उसकी ऐसा काम कभी सपने में भी ना सोच पाए इस टाइप का बंदा। मैं तो यही कह रही हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ट्रायल हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो और विद इन वन मंथ में इसमें फांसी ही सही रहेगी क्योंकि ये निर्मम हत्या एक जघन्य अपराध है। उस बच्चे ने तो अभी कुछ देखा भी नहीं था उसकी तो अभी दुनिया स्टार्ट भी नहीं हुई थी अभी तो जो पेरेंट्स ने बताया वो मान रहा था। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है हर वकील हर व्यक्ति हर करनाल वासी की बात करूं तो सभी जो इस मामले से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपको बताना चाहूंगी कि करनाल पुलिस का भी यही कहना है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक इस मामले में खुलासा जरूर किया जाएगा। जी हां सख्त से सख्त जो है सजा जरूर दिलवाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मामले की जाँच चली हुई है तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव धन्यवाद।